अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। अच्छा जी, आज हम बनाएंगे भिंडी की भुजिया, जिसके लिए मैंने लिए 1 किलो भिंडी है। अब मैं इसको कटिंग कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। अच्छा जी, मैंने ये भिंडी कटिंग कर ली है, ठीक है। एक दरमियानी प्याज काटी है और एक दरमियानी टमाटर और 4 से 5 हरी मिर्चें। इधर मैंने गरम कर लिया ऑयल, इसमें मैं डाल दूँगी प्याज, इसको करूँगी मैं फ्राई, उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अच्छा, अब इस टाइम पे मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी 1 टीस्पून ज़ीरा, हल्का सा फ्राई करेंगे इसे भी। हाँ जी, जब इतनी हो जाएगी ये प्याज ये कलर की, बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करनी ना ही बहुत ज़्यादा कच्ची रखनी है, ठीक है। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे टमाटर और हरी मिर्च। बस 2 से 3 मिनट हमने इसको इस तरह से हल्का सा फ्राई करना है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे भिंडी। मैं ऐड करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ, ठीक है। ये मैंने ऐड कर दिया, अब इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट, कम होगा तो हम और डाल देंगे, और 1 टीस्पून ही कुटी मिर्च। इसको मिक्स करेंगे अच्छी तरह। और फिर से हम हल्की आंच पर ढक कर रख देंगे, ठीक है। अब हम इसको ज़रा चलाएंगे। हल्की बिल्कुल स्लो आंच पे पकेगी ये ना। बस अभी दोबारा ढक देंगे, ठीक है। अब हम इसके अंदर इस टाइम जब इतनी पक गई है ये, थोड़ी सी इमली डाल देंगे, बस इसको हम मिक्स कर देंगे ऊपर नीचे। इमली से बहुत अच्छा टेस्ट आता है, अच्छी बनती है ठंडी। बस 5 से 8 मिनट, थोड़ा सा दम, 5 से 8 मिनट हो गए हैं, ये तैयार हो गई है, रेडी हो गई है। अब मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी इसका, अच्छी तरह बन गई है, और डिश आउट करके फिर आपको दिखाती हूँ, सही है। हाँ जी, मैंने डिश आउट कर ली है। इसमें नमक मिर्चें सब कुछ नॉर्मल है, किसी ने अगर तेज़ खाना होता है नमक या मिर्चें तो अपने हिसाब से वो कर सकते हैं। लाल कुटी हुई मिर्च बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं, हरी मिर्च बढ़ाना चाहें तो वो बढ़ा सकते हैं, या नमक तेज़ खाते हों जो लोग, ठीक है ना। हम नॉर्मल खाते हैं इसलिए हर चीज़ मैंने नॉर्मल क्वान्टिटी में डाली है।
आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरा चैनल। हमारा साथ यहीं तक का था। अल्लाह हाफ़िज़।